हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकनोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर वेल्डिंग प्रोसेस। आप सबको पता है वेल्डिंग प्रोसेस क्या है। दो सिमिलर मेटल को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है, विथ प्रेशर विदाउट प्रेशर। तो वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में आपको पता है। लेकिन जब भी आप कोई कॉम्पोनेंट या कोई मशीन में आप वेल्डिंग कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर द वेल्डिंग, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला है यूज मिनिमम नंबर ऑफ वेल्ड। ओके, तो जो भी कंपोनेंट है, जो भी मशीन में हम वेल्डिंग करने वाले हैं, तो मिनिमम से मिनिमम वेल्डिंग हो ऐसा हमें ध्यान में रखना है। दूसरा है डिजाइन अ वेल्ड जॉइंट सच दैट इट रिफ्लेक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इकोनॉमी इन वेल्डिंग प्रोसेस। मतलब कि कोई भी आप जब वेल्ड कर रहे हो तो जो वेल्डिंग जहाँ पे भी करना है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और वो इकोनॉमिक भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो पोर्शन पे वेल्ड करना हो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाए और उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाए। तीसरा है सिलेक्ट द सेम थिकनेस फॉर द पार्ट टू बी वेल्डेड। मतलब दो जो पार्ट है जिसको वेल्ड करना है उसकी थिकनेस सेम होनी चाहिए। उसके बाद है लोकेट द वेल्ड्स एट द एरिया इन डिजाइन वेयर द स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन आर नॉट क्रिटिकल। अब जो भी पार्ट में वेल्ड कर रहे हो, ठीक है, वो वेल्डिंग करने से जो हीट प्रोड्यूस होगी और उससे जो डिस्टोर्शन होगा वो जो कंपोनेंट है उस पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। उसके बाद है पांचवा अवॉइड द यूज ऑफ वेल्डेड स्ट्रैप एंड स्टिफनर्स अनलेस रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेंथ। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है उसको भी साथ में, स्टिफनर जो होता है उसको भी साथ में स्ट्रेंथ के लिए वेल्ड करते हैं। तो वो अगर अननेसेसरी हो, मतलब कि जब तक उसकी ज़रूरत ना हो तब तक आप उसको मत लगाइए, ठीक है। उसके बाद है अवॉइड ओवर वेल्डिंग विच एड द डिस्टोर्शन एज वेल एज इंक्रीज दी कॉस्ट। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कन्फ्यूजन रहता है कि इतना वेल्डिंग सफिशियंट है नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको ओवर वेल्ड किए जाते हैं। तो ओवर वेल्ड करने से क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है और ओवर वेल्ड होने से उसकी हीट ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब कि डिस्टोर्शन भी होगा, ठीक है। तो ये है छठा। उसके बाद है सेवन डिजाइन फॉर द वेल्ड इन फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मतलब कि जो भी आप डिजाइन कर रहे हो वेल्ड की वो फ्लैट या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही वेल्ड हो, ऐसा रखो, ओवरहेड पोजीशन ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आठ नंबर डिसाइड द प्रॉपर वेल्डिंग सिक्वेंस विच हेल्प्स टू मिनिमाइज द थर्मल डिस्टॉर्शन इन द पार्ट। मतलब कि सपोज कोई कंपोनेंट है उसमें आप 10 जगह अलग अलग जगह पे वेल्डिंग करनी है, ठीक है, तो 10 जगह अलग अलग को आपको इस तरह से सीक्वेंस करना है कि एक की थर्मल इफेक्ट दूसरे पे ना आए, दूसरे की थर्मल इफेक्ट तीसरे पे ना आए, ठीक है। तो जो भी 10 जगह है तो आपको पहले यहाँ करना है, फिर थोड़ा दूर करना है, फिर यहाँ पे लेना है, उस तरह से आप डिसाइड करना है कि सीक्वेंस क्या होगी, ठीक है। उसके बाद नौवां नंबर है व्हेन एवर द पॉसिबल ड्यूरिंग द वेल्डिंग द फोर्स प्रोड्यूसिंग डिस्टोर्शन शुड बी बैलेंस्ड बाय द क्लैंपिंग फोर्स। उसका मतलब क्या है कि आप जब वेल्डिंग करोगे तो हीट की वजह से क्या होगा, डिस्टोर्शन होगा। अब डिस्टोर्शन क्या है वो मैंने वेल्डिंग में भी आपको बताया था कि आफ्टर कूलिंग, जब कूलिंग होगा तो वो जो पोर्शन है जिसको हमने वेल्डिंग किया है वो थोड़ा बैंड हो सकता है। तो उसको बैंड ना हो इसीलिए हमें क्या करना है, सब पहले से ही हमें थोड़ा क्लैंपिंग फोर्स ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्लैंपिंग फोर्स ऐड कर देंगे ताकि वो डिस्टॉर्ट ना हो, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन और क्लैंप, ठीक है। देन टेंथ जो है द इफेक्ट ऑफ डिस्टोर्शन एंड श्रिंकेज शुड बी मिनिमाइज बाय द पोस्ट वेल्डिंग एनलिंग एंड स्ट्रेस रिलीफ ऑपरेशन। मतलब कि वेल्ड करने के बाद हम उसको हीट ट्रीटमेंट करके उसमें जो डिस्टोर्शन या श्रिंकेज जो है उसको हम रिलीव कर सकते हैं, उसमें जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम रिलीव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस रिलीफ ऑपरेशन और वेल्ड एनलिंग। ओके, तो फ्रेंड्स वेल्डिंग के लिए इतना है कि डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर वेल्डिंग, मतलब कि जब भी आपको वेल्डिंग करना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।